स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जिसका यूज करके आप अपने वीडियोस को कन्वर्ट कर सकते हैं MP4 फाइल में और उन वीडियोस को आप गूगल मीट पे आसानी से प्ले कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि हम गूगल मीट पे जब पार्टिसिपेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो स्क्रीन शेयर के साथ में हम वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं, वो भी साउंड के साथ में। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो गूगल मीट में हम वीडियो शेयर करते हैं वो सिर्फ MP4 फॉर्मेट में ही शेयर होता है। तो उसी वीडियो से रिलेट करते हुए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वीडियो को MP4 फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों को इनकी जरूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना रहेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और ये जो लिंक यहाँ पे मेंशन है ये मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस लिंक को वहां से कॉपी करके यहाँ पे इस तरह से आप पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इसकी जो डाउनलोडिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो गया है। अब आपको जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है उस जगह पे जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होने के लिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो इंस्टॉलेशन है वो फिनिश हो गया है, इंस्टॉलेशन कम्प्लीटेड। आप इसको यहाँ से स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वीडियो को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और लाइब्रेरीज पे जाएंगे और वीडियो के ऊपर जाके सैंपल वीडियो को ओपन कर लेंगे। यहाँ से आपने इसे ओपन कर लिया है। अब देखिए ये जो सैंपल वीडियो है यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस डिवाइस के लिए इसे सेव करना है। मान लीजिए ये WMV था, यहाँ पे देखिए इतनी सारी अलग अलग डिवाइसेज आपके सामने दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी डिवाइस के लिए या किसी भी फॉर्मेट के लिए इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए हुए और ये जो वीडियो को फॉर्मेट है यहाँ पे सारे आपको दिए हुए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक HTML5 का जो आइकन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस HTML5 के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसमें जो HTML5 MP4 मूवी का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये जो आउटपुट फोल्डर है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली इसने अभी क्या करा है कि इसने यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर के नाम से एक आउटपुट फोल्डर बना दिया है। तो आप इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये उस आउटपुट फोल्डर में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर फोल्डर में इसका जो आउटपुट है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आउटपुट फोल्डर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको चेंज करके बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से आउटपुट फोल्डर को सिलेक्ट करा तो इस तरह से फाइल डायरेक्टरी आ गई। मैंने इसे क्या करा, माई वीडियो सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे वीडियो का जो साइज है अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि कन्वर्ट होने पर साइज चेंज हुआ है तो यहाँ से आपने साइज को भी क्या करा, चेंज कर दिया, साइज आपने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करा, कन्वर्ट कर। तो देखिए ये कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करने पे ये जो बार है ये वर्क करने लग गई है, ये कन्वर्ट होने लग गया है। जैसे ये कन्वर्ट होगा ये आउटपुट फोल्डर को ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं फाइल आपको मिल गई। यहाँ पे आप इस फाइल के ऊपर ये कर्सर लेके जाइए और इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और ओपन विथ क्रोम कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ये साइज में भी बड़ा हो गया है और क्रोम विंडो पे आराम से ओपन हो गया है। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया है, आप वीडियो को कन्वर्ट करना सीख गए हैं और अब आप अपने गूगल मीट पे इस तरह से वीडियो को कन्वर्ट करके आराम से प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।